आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। प्रस्तुत है झलकी चुपके चुपके, लेखक हैं आर के शर्मा। माँ, मैं बिना लड़की देखे शादी नहीं करूंगा, बस। तो मैंने तो हाँ कर दी है, और लड़की की माँ ने मुझसे पूछा कि क्या लड़का लड़की को नहीं देखेगा, तो मैंने कह दिया कि वो तो बहुत सीधा है। माँ, पर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? ये विश्वास की बात नहीं है माँ। मैं तुझे बताए देती हूँ कि लड़की एक ऊंचे खानदान की है, उसके पिता बहुत बड़े व्यापारी हैं, और उसके मामा के पास 2 बंगले हैं। उसका भाई इंग्लैंड के लिए बिस्तर बांधे बैठा है। उसके मौसा की लॉटरी निकली है। उसके चाचा का अपना फार्म हाउस है। माँ, मेरी शादी लड़की के मामा, मौसा, चाचा या भाई से तो नहीं हो रही ना? देख, तू बहुत जबान चलाने लगा है। पर मैं, माँ, मैं आ गई। आज तू जल्दी आ गई बेटे। आज तो पीरियड खाली थे। भैया, तुम्हें क्या हो गया है? बासी टमाटर की तरह माथे पर ये बल कैसे पड़े हैं? कमो, बिना देखे शादी नहीं करेगा। मैं बताऊँ माँ, भैया को भाभी का फोटो मंगवा दो। पहले फोटो देखेंगे, फिर उसके सपने देखेंगे। तमो, तू जा अपना काम कर। मैं तो आपके काम की बात कर रही थी। तू चुप नहीं रह सकती? रह तो सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मामला कुछ इतना संगीन है कि न चुप रहते बनता है और न कुछ कहते। मैं तो सोच रही हूँ, चुप रहूं तो कैसे रहूं, और कहूं तो क्या कहूं। बस मैंने कह दिया ना, मैं बिना लड़की देखे शादी नहीं करूंगा, और लड़की पसंद ना आई तो मना भी कर दूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। माँ, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, भैया कहता तो ठीक ही है, आजकल तो लड़कियां बिना देखे परखे शादी ही नहीं करती, फिर भैया तो। मैं लड़की वालों से हाँ कर चुकी हूँ, अगर लड़की देख कर इसने मना कर दिया तो जानती है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी मैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो जीजी, क्या हो गया? नमस्ते मासी। नमस्ते। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं उसके रिश्ते की बात कर दी है। हाँ। और अब वो कहता है कि बिना लड़की देखे मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। मासी, इसमें हर्ज भी क्या है? बस इतनी सी बात है। अजी, तुम तो लड़के वाले हो, तुम क्यों डरो, सब ठोक कर रिश्ता करो। जी जी हाँ, अभी को देखने का मेरा मन भी बहुत करता है। है? तो चल ना, तुझे दिखा लाऊं। वो कैसे? अरे, मैं कम्मू को साथ लिए जाती हूँ। हाँ माँ, सचमुच बड़ा मजा आएगा। शाम को भैया आएंगे तो मैं कहूंगी कि मैं भाभी देख आई। क्या? पर पहले उन्हें बताना तो होगा ना। अरे, तुम इसे मेरे साथ भेज दो ना जीजी। हाँ, हाँ। मैं इसे लड़की भी दिखा दूंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे जमना? जी जी, ये तो मुझ पे छोड़ दो। तो चलो मासी। नहीं जमना, मुझे तो डर लगता है, और अगर उन लोगों को पता लग गया तो। ओफ, मुझ पर विश्वास करो ना, हम किसी बहाने उनके यहाँ चले जाएंगे। हाँ। और चुपके चुपके दिखाएंगे। माँ, हाँ कह दो ना। अरे चल कम्मो, तैयार हो जा। हाँ, हाँ। अरे तुम फिकर ना करो जीजी, सब काम चुपके चुपके होगा। चुपके चुपके? हाँ। भैया। हाँ? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लड़का लड़की को देखना चाहता है। अरे सुना तो मैंने भी है, पर इसमें सोचने को क्या धरा है, एक बार नहीं हजार बार देख लें, हमारी रमा में क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, घर गृहस्थी का सारा काम जानती है। वो तो ठीक है, लेकिन। अब लेकिन लेकिन छोड़ो, उसकी माँ बहुत सीधी है, लड़का भी शरीफ है। फिर ऐसी क्यों बात करता है? लगता है लड़के को किसी ने बहका दिया है। अच्छा है, उसका शक दूर हो जाएगा, फिर ये कोई अनुचित बात तो है नहीं, आजकल तो बिना देखे कोई रिश्ता तय नहीं करता। थोड़ी देर को मान लो भैया कि लड़के ने इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? अरे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा या धरती फट जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ, क्या हमें रमा की पसंद का ख्याल नहीं करना चाहिए? रमा को भी पसंद करने का हक है। मेरा ख्याल है कि दोनों को एक दूसरे को दिखा देना चाहिए, आपस में बातचीत करा देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे जीजा जी टूर से 15 दिन बाद ही लौटेंगे। अरे अभी जाकर लड़के से बात करता हूँ, कल तो मुझे भी कानपुर जाना है, आज ही इन दोनों को मिला देते हैं। अरे जैसा तुम ठीक समझो वैसे ही करो। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ।
अच्छा। तुम रमा को जरा तैयार कर देना, भगवान सब भला करेंगे। मौसी मुझे तो डर लग रहा है। ओफ, इतना डर लगता था तो आई ही क्यों? हाँ, अच्छा देखा जाएगा जो होगा। मौसी यही घर है ना, तुम क्या कहोगी? अरे बिटिया, तेरी मौसी ने बहुत दुनिया देखी है, तू चुपचाप चली जा बस। मकान तो बड़ा अच्छा है। अरे हाँ रे, देख तो मोहल्ले में सबसे बढ़िया मकान है। ये क्या पता इनका अपना मकान है, किराए का भी तो हो सकता है। हो तो सकता है। देख तो पढ़ तो क्या लिखा है। ओम निवास, ये तो इनका अपना मकान लगता है। इनका नाम भी तो ओम प्रकाश है। तो अब क्या दरवाजे की घंटी बजाओगी मौसी? मौसी मौसी, इस तरह खिड़की में से अंदर मत झांको, कोई देख लेगा। चुप। मैं देख रही थी कि कोई मर्द तो घर में नहीं है। अगर कोई हुआ तो? चुप रह तू, लगता है कोई नहीं है। चल तू घंटी बजा। नहीं मौसी, तुम ही बजाओ। क्या लड़की है। ठीक है, मैं ही बजाती हूँ। कौन है? हम है बहन जी, दरवाजा खोलिए। आइए। हम संगीता जी के घर आई थी, पता चला वो पहाड़ पर गई हैं। कौन संगीता? अजी हमारे रिश्तेदार हैं, पास वाले मोहल्ले में रहती हैं। हम तो वापस जा रही थी, पर इतनी कड़ी धूप, बस कुछ पूछो ही ना जी। इसे प्यास लगी थी तो हमने सोचा पानी ही पी ले, थोड़ा बहुत सुस्ता लेंगे तब चलेंगे। आप अंदर आइए, आइए आइए बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूं। जी जी। अरे ओ कम्मो, अमीर आदमी लगते हैं। देख देख सोफा सेट कितना बढ़िया है। अरे पर्दे भी कीमती है। अरे देख फ्रिज कितना बड़ा है। अच्छी आसामी लगती है, दहेज बहुत देंगे। अरे बिटिया, गहने कपड़ों से तुम्हारा घर भर देंगे। लीजिए। कमो पहले तू पी बिटिया। थैंक यू। ये लीजिए, आप भी लीजिए। धन्यवाद बहन जी, पानी तो बहुत ठंडा है, मजा आ गया। ये आपकी लड़की है? जी है तो मेरी लड़की, पर शुरू से ही मुझे मौसी मौसी कहती है ना कम्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एमए कर चुकी है बहन जी, बीए में पढ़ रही है। हाँ। क्या कहा? बीए कर चुकी हूँ, एमए की तैयारी कर रही हूँ। अरे बहन जी, सच पूछो तो मुझे आजकल की पढ़ाई का बिल्कुल पता नहीं लगता। अच्छा बहन जी, एक बात बताइए, आपके वो क्या करते हैं? अपना ही बिजनेस है। अच्छा। कल ही बम्बई गए हैं, परमात्मा का शुक्र है, अच्छी दाल रोटी चल जाती है। अरे बहन जी, ऐसी दाल रोटी तो भगवान सबको दे, आपके घर में किस चीज की कमी है भला? हाँ, मेरी भी एक लड़की है। हाँ, अच्छा कहाँ है, जरा बुलाइए तो। वो अपनी सहेली के घर गई है। बस आती ही होगी। अच्छा अच्छा, घर में और कोई नहीं है? नौकर बाजार गया है इस वक्त, तो और कोई नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। कमला कमला कमला। हाँ शांति। वो स्पिरिट है, मुन्नू के चोट लग गई है। अभी लाए, अभी लाए। कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए जी। कमला इधर आ। हाँ क्या बात है? जानती है कल क्या हुआ? पिछली गली में दोपहर को दो औरतें आई, कहने लगी पानी पिला दो, प्यास लगी है। बेचारी घर वाली रसोई में पानी लेने गई तो उन्होंने बाहर से रसोई की कुंडी लगा दी और सारे घर का सफाया कर गई। घर वाली का बच्चा सो रहा था, उन्होंने कहा चुपचाप रसोई में खड़ी रहे, अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं, बता। हाँ सुना तो मैंने भी था। उसने तो सारा घर लूट लिया। आजकल जमाना बहुत खराब है कमला, किसी अनजान आदमी या औरत को इस तरह घर में आने नहीं देना चाहिए। तू इन लोगों को जानती है क्या? नहीं तो? तो फिर क्यों बिठा लिया? कहती थी पानी पिला दो। लो, मुझे तो वही औरतें लगती हैं। पता, इनकी हिम्मत तो देखो, कल पिछली गली में आई और आज यहाँ आ गई। बिल्लू की माँ ने इन्हें कल देखा था, वो कह रही थी एक पतली दुबली लड़की थी और दूसरी जरा सी भारी। कहीं मेरे साथ भी धोखा ना हो। अरे मुझसे पूछ रही थी कि घर में और भी कोई है। ओ, ये तो वही है, हो ना हो ये कल वाली ही हो। हे भगवान, हे भगवान। ठहर, मैं जरा इन्हें मजा चखाती हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। अच्छा आप कहाँ रहती हैं? जी सत्यनगर में। ओह,
इधर किन से मिलने आई थी? मैं वो सरोज से मिलने आई थी। आप तो कह रही थी कि संगीता से मिलने आई है। बहन जी बात तो एक ही है ना, उसका मायका का नाम संगीता ही था, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने उसका नाम सरोज रख दिया। अब समझी। अच्छा अच्छा, ये वही सरोज जो सड़क के पार वाले कोने में पीले मकान में रहती है, नंबर है 420। हाँ जी जी वही वही। और जिसके दो लड़की और एक लड़का है। बहन जी बिल्कुल वही। बताओ। आइए आपको अपना मकान मैं दिखा दूँ। जी जी बहुत बढ़िया मकान। आइए 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 आइए, ये है बेडरूम। अच्छा कम्मो तू भी अच्छी तरह देख ले। सच सच बताइए आप लोग हैं कौन? जी कोने वाले पीले मकान में तो साधना रहती है। साधना? और उसके कोई औलाद नहीं है। अजी आपको शर्म नहीं आती इस तरह से लोगों को लूटते हुए? ऐसी बात मत करिए। हाँ? कल ही अपने इस मोहल्ले में आपने हाथ साफ किया और आज आप फिर से आ गई। अजी कमला कमला इधर आ। कमला इन्हें इसी कमरे में जरा बंद कर दो। जल्दी कर, ये पकड़ इधर से इधर से। मोतीलाल जी आपके घर में चोर है, जरा जल्दी आ जाओ। मोतीलाल जी मोतीलाल जी जरा जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे ये चोर कैसा है भगवान खैर करे। अरे कमला कमला आज हमने चोर पकड़े। चोर चोर कैसे चोर? कल जो दो औरतें पिछली गली में आई थी वो आज हमारे घर में भी आ गई हैं। अच्छा? शांति ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। अच्छा ये कौन? ये नरेची आए हैं। अरे हमारे होने वाले दामाद। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ आओ तुम दूसरे कमरे में बैठो बेटा। जी बैठाओ जी। आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं भी इन देवियों के दर्शन कर लूं। ऐसी देवियों के दर्शन तो मैंने आज तक नहीं किए। अरे मौसी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाय राम ये सब क्या हो गया? नरेश तू यहाँ क्या कर रहा है? देख देख तेरी ससुराल में मेरी और तेरी बहन की क्या खातिर हुई है। लेकिन मौसी चुप। क्या मौसी मुझे लगा रखी है? हम तो तेरी होने वाली बहू देखने आए थे। चुपके चुपके तू जिद कर रहा था इसलिए। और देख हमारे तो ये बात थी। ए चुपके। अभी आप ये झलकी सुन रहे थे। लेखक थे आर के शर्मा और निर्देशिका थी नीलम चोपड़ा। भाग लेने वाले कलाकार थे बी आर एल सक्सेना, राजकुमारी माटा, जयश्री अरोड़ा, मनोरमा माथुर, अजय मनचंदा, फ्लोरा बोस, पद्मिनी मेहता और कारी मोहम्मद इलियास।